सो हाँ जी गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल, मेरा नाम है अर्शदीप सोहल। तो भाई आज है 26 अगस्त, तो तुम्हारा भाई जा रहा है भाई बेसिकली गोवा। तो मेरी आज फ़्लाइट है दिल्ली टू गोवा की, और ये मैं तीसरी बार इंट्रो बना रहा हूँ क्योंकि भाई फ्लो ही नहीं रहा भाई, ना कॉन्फिडेंस रहा है ना फ्लो रहा है ब्लॉग बनाने में। मन बहुत करता है बट बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो पिछली सीरीज़ आपने देखी थी कि मैं गोवा, उदयपुर, जयपुर गया था, चंडीगढ़ गया था, तो उसके बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ भाई, 1.5 महीने में ब्लॉग बना रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस चाहिए भाई हमें फिर से ब्लॉग बनाने का, क्योंकि हमें ब्लॉगिंग ही करनी है। तो भाई मैं अच्छा एनीवेज क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आज है मेरा शूट। तो मेरे साथ कौन जा रहे हैं और किसके साथ जा रहा हूँ, बेसिकली कुछ सिंगर साथ में जा रहे हैं, तो आप देख लेना, आपने पिछले ब्लॉग में शायद उनको नहीं देखा था। तो भाई स्टे ट्यून्ड, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलो शेयर मत करना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आगे बैक टू बैक आपके साथ मैं एंगेज रहूँ और ब्लॉग्स मैं बनाता रहूँ। तो भाई स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मेरी आगे आने वाली ट्रिप है अभी सितंबर में। आपको कहाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा आपको सब पता लग जाएगा, बट आप चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं गाइस। और गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं किसी पार्क में आ रखा हूँ। क्यों भाई, शर्म आ रही बाहर बनाने में, तो मैंने कहा पार्क में कोई नहीं होगा, यहाँ इंट्रो ले लेते हैं। तो भाई कितना बढ़िया नेचर लग रहा है और नेचुरल एयर। सुबह 6 बजे मैं बहुत टाइम बाद उठा हूँ, तो चलते हैं। और आज का मेरा आउटफिट है, क्योंकि मैं गोवा जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने नियॉन डाला है। सो गाइस लेट्स गो। सो भाई ड्राइवर भाई अपना आ चुका है जिन्होंने हमें एयरपोर्ट छोड़ना है। तो सो गाइस राइट नाउ आई एम एट जियट। आप देख लो व्यू कितना प्यारा है। इस टाइम अभी गुड़गांव में है, तो सर का बेसिकली रूम था ऊपर, सर चेकआउट कर रहे हैं, तो उसके बाद पारी को पिक करके निकलते हैं हम अपने शो एंड फ्लाइट के लिए। सो गाइस यार मैं ना बहुत बातें करना चाहता हूँ यार, लाइक मैं ना दिन रात बस कंटेंट ही बनाना चाहता हूँ, बट ना ये चीज़ हो नहीं पाती यार, लाइफ में पंगे इतने पड़े रहते हैं। तो आज जैसे हम जा रहे हैं दिल्ली टू गोवा, फिर मैंने आगे जाना है जयपुर। तो आगे आप सब्सक्राइब कर दो, बहुत व्लॉग्स आने वाले हैं, आगे पूरा वेडिंग सीजन है। जिनको नहीं पता भाई मैं फुल टाइम वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। सो गाइस जिनको नहीं पता भाई मैं फुल टाइम वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो मैं सेलिब्रिटी सिनेमाटोग्राफर भी हूँ। जैसे सिंगर्स वगैरह के शोज़ होते हैं तो उनका मैं शूट वगैरह करता हूँ। तो आज भाई हमारे साथ आ रहे हैं जसपाल सिंह सिद्धू, जो कि हैं जस्सी सिद्धू भाई, जो आपने गाना सुना होगा वीर जी व्योन चल रहा है, तो वो सर का गाना ही है। तो पाजी मेरे साथ ही जाएंगे, तो हम दिल्ली टू गोवा जा रहे हैं। बेसिकली पाजी का है आज शो गोवा में, तो वेडिंग शो है, लाइक प्राइवेट शो है, तो उसमें मैं शूट करने उनके साथ जा रहा हूँ। तो आपने जैसे पिछले ब्लॉग्स में देखा था, पहले मैं RDB सर के साथ गया था, तो अभी हम गोवा जा रहे हैं, उसके बाद हमने आगे और भी कहीं जाना है। तो पूरी आइटनरी लाइंड अप है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी यार देखते हैं, आपने सब्सक्राइब करा, आपका पूरा सपोर्ट रहा, तो भाई हम कहाँ के कहाँ पहुँचेंगे। बट मेहनत हमारी जारी है, तो क्योंकि जॉब के साथ साथ हमें अपना पूरा वेडिंग सीजन है, हमें क्लाइंट्स को भी देखना पड़ता है, हमने व्लॉग्स बनाने, बट मैं व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड यार। तो अभी हम आए थे रोजियाट सर को पिक करने, जस्सी पाजी जो कि यूके से आए, क्योंकि वो यूके के सिटीज़न हैं, तो उनकी फ़्लाइट थी कल की, तो उनको पिक करने आए रोजियाट। तो गाइस चलते हैं, तो पाजी आएंगे, पाजी से इंट्रोड्यूस भी करेंगे। पता क्या, बड़ा सिंगर है ना, तो हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि लेजेंड है भाई। जान जाने जाना, वेखो मेरी जान मांग दी, जस्सी सिद्धू हनी सिंह के साथ जो गाना आया था भाई, 20-25 साल पुराने सिंगर हैं, तो अपने साथ चलेंगे। तो थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। Relax. 3 lakhs 3 lakhs 5 lakhs 2 lakhs 3 lakhs
सो गाइस ये हमारा प्लेन है इंडिगो, यहाँ खड़ा है एयर इंडिया। जस्ट लैंडेड इन गोवा, तो अभी हम बैगेज कलेक्ट कर रहे हैं अपना। पाजी का बैग मेरे साथ है, पाई वो रे पीछे। आप पहुंच गए जी गोवा एयरपोर्ट। तो अपने वाले कितने हैं लीला दीवा वाले? हर्षित ने भी बोल दिया, तुमने भी बोल दिया, हमने एडवांस। सो हाँ जी गाइस, हम अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो लोकेशन यार, होटल का नाम है अलीला दीवा गोवा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तो मैं अंदर चल कर दिखाता हूँ। बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। तो आज रात यहाँ पे है बेसिकली रिसेप्शन, तो जस्सी सिद्धू सर यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं, तो मैं आया हूँ साथ में शूट करने। प्रॉपर्टी देखो गाइस, अमेजिंग। सो गाइस प्रॉपर्टी में हम आ चुके हैं भाई, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। लास्ट टाइम आपको पता है मैं ताज विवांता आया था, बट ये है अलीला दीवा, और ये बेसिकली उससे अलग है। वो अलग टेस्ट की प्रॉपर्टी थी, ये भाई बिल्कुल अलग टेस्ट है। ये देखो भाई पूल और सामने व्यू चेक करो, और भाई फॉरनर्स ना भी रहे हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, और ये बड़ा मेरा कैमरा। तो आज तुम्हें मैंने बता दिया रिसेप्शन है बेसिकली। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना पीना खाने अपना, रूम मेरे को लॉट हो गया था। तो 6-7 बजे आएंगे, डिपॉज शूट करेंगे, अभी थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं रील्स के लिए। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। लास्ट टाइम मैं जद ताज होटल आया सी, सॉरी मैं विच पंजाबी बोल रहे, नो इशूज़, तो वो डिफरेंट सी है, थोड़ा डिफरेंट है। विच वेखो मछलियाँ किदा तैर रही हैं, तो कहते हैं बिच मेंढक भी हैगा। वो रहा वेखो, पर कह रहे नकली है, असली नहीं है यार। पूल नू वेख के ना मेरा भी बड़ा मन कर रहा है, मैं भी स्विमिंग करा। ओए ओए ओए, उस साइड कहते सामने अरेबियन सी हैगा, तो लेट्स सी देखते जाते कि नहीं जे टाइम मिल रहा है। बाकी यार गर्मी बहुत हो रखी है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री। होटल की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, बंदा गुम भी हो जाए यहाँ पे। किसी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बंदा ही नहीं मिल रहा है। और ऊपर से बारिश आ चुकी है बहुत तगड़ी वाली। भाई गोवा का मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। अभी जब हम आए थे इतनी धूप थी, इतनी ह्यूमस हो रही थी, फिर एकदम से आई इतनी तेज़ बारिश। उसको गाइस हैगी लॉबी, तो अपना रूम है S112। सो गाइस ये हमें रूम अलॉट हुआ है, बेसिकली वॉशरूम है। इत्थे ना इत्थे एवें दे घर बहुत ने, येलो ब्लू, आ वेखो होर भी बड़े सारे आए सी, वो ग्रीन आ गया। तो पेड़ बहुत लगे हैं नारियल के, सारे पता ही होगा गोवा से नारियल के पेड़ बहुत ने यार। असी इस टाइम है मजरोडा, साउथ गोवा मजरोडा। हम जिदा कि यह घर है पूरा ग्रीनरी नाल भरया हो, देखो ग्रीनरी तो बहुत है इतने ना,
चारे पासे जिथे वेखो ग्रीनरी ग्रीनरी है। और देखो सो गाइज रेडी हो चुके हैं, रेडी होके फ्रेश हो गए, रेडी हो चुके हैं। तो अभी आज जा रहे हैं, ये वही वाला ब्लॉग चल रहा है, तो अभी जा रहे हैं जसी तो भाजी के शो पे। तो एक बार ये देखो, मैं दूसरी प्रॉपर्टी में आया था, वैसे ही यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हो गए थे, इनसे मिलने आया था। तो यार ये देखो, यहाँ पे भी पूल है, यहाँ पे भी येलो पेंट हो रहा है। बहुत ही एक्स्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी, ये थोड़ा 3 स्टार में आ गया है। तो मैंने दोनों में फ़र्क देखा भाई, कितना फ़र्क है, सर्विस का बहुत फ़र्क है भाई साहब, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो 7 स्टार, ये 3 स्टार, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी चलते हैं। बाकी इस रूम में जो रुके हुए थे वो भाई डीजे ढोल वाले, तो जो पाजी के साथ पीछे परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, वो सब रुके हुए थे। तो अभी चलते हैं, मैंने आउटफिट चेंज कर लिया और कल हमारी है वापसी। कल के लिए मेरे पास कोई आउटफिट नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था वापसी कब है, तो कल की वापसी है। तो मैं भी चाहता हूँ यार कि थोड़ा डिटेल व्लॉग बनाया करूँ, पूरी रिसर्च करने के बाद। यार रिसर्च करने का टाइम मिलता नहीं है, थोड़ा आपसे भी एंगेज करूँ, तभी तो भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। एनीवेज गाइस सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस चलते चलते सुनसान गलियों में आ गए हैं गोवा की। ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, बस चले जा रहे हैं भाई। रात के 8-9 बजते पे हैं, तो मैं इस टाइम गोवा की गलियां सीगा वेखो, तो सामने मैंने सलून वेखिया है। तो सलून देखो सामने, तुसी एड्रेस देखो गोवा, पर जे मैं छोटा करा नू फोटो वेखो कि लगी है शीशे ते, सिद्धू मूसे वाले दी लगी परछाई, कल बात है यार बंदे दी। भाई जी होटल अदीबा च आ गए, नाइट व्यू चेक करो गाइस। गाइस जो व्यू है ना, मैं तुहानू दस नहीं सकता, बहुत वधिया एम्बियंस ते जिहड़ी वाइब आ रही है वो नेक्स्ट लेवल आ रही है बहुत ज़्यादा। सो गाइस हम वेन्यू पहुंच चुके हैं, यहाँ पे है आज रिसेप्शन। तो भाई जो कपल का नाम है वो है प्रभजोत एंड हरप्रीत। तो ये सारा सेटअप हो रहा है, तो अंदर चलते हैं। मेरा क्या काम है बेसिकली, यहाँ पे मैंने सारा डेकोर शूट करना है एंड अपने जो सिंगर आए हैं उनको प्रॉपर शूट करना है। तो स्टेट सुबह के 9 बज चुके हैं, अभी हमारी फ्लाइट है 12:55 की या 12:35 की, तो गाड़ी आ रही है लेने। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, फटाफट 5 बजे रूम में गए हैं, 9 बजे रेडी हो गए हैं। तो सुबह के 9 बजे देख लो ये माहौल है यहाँ पे। ये अब दूसरा एयरपोर्ट है, पहले हम बैम्बोलिन पे आए थे, अब हमारी फ्लाइट मोपा एयरपोर्ट से है। तो अभी हम हैं हल्दीराम्स में, कुछ खाने पीने आए हैं, भूख बहुत लग रही है, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं कर गया है।